Question number 13. In figure, a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. If OA is equal to 20 cm, find the area of shaded region. Use pi is equal to 3.14. बच्चों क्वेश्चन में फिगर भी ऐसे ही बना हुआ आपने देख लिया होगा अपनी बुक में, यहां भी देख सकते हैं आप. आपको शेडेड रीजन का एरिया बताना है. वो तब मिलेगा जब आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर लेंगे. एरिया ऑफ स्क्वायर इजीली मिल जाएगा क्यों बच्चों, क्योंकि हमें पता, देखो ये ना 20 दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर इजीली निकाल सकते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, मतलब 400 हो गया. लेकिन जब हम बात करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बच्चों, उसे निकालना अभी आपके लिए आसान नहीं है, है ना. अगर आप इसे ऐसे मिला दें, क्योंकि हमें रेडियस नहीं पता, वैसे रेडियस बच्चों यहां ओपी है, ओक्यू है और ओबी अभी हमने मिला लिया तब मिल गई, है ना. ओबी हम पता कर सकते हैं, ओबी इस क्वाड्रेंट की रेडियस है जबकि स्क्वायर का डायगोनल भी है, ठीक है ना. तो आप ओबी लिख सकते हैं, ओबी इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर ओपी, सॉरी ओ ए बी सी, मतलब 20√2. भाई डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2, ए स्क्वायर √2, आइए क्या होता है साइड. तो यहां साइड आपके पास 20√2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है बेटे. या आपको रेडियस मिल गया, एक तरह से आप कह सकते हैं रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा 20√2. अब हम इजीली दोनों एरिया निकाल सकते हैं, हमें दो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और एरिया ऑफ स्क्वायर. तो पहले हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ही निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 πr² 1/4 3.14 आर स्क्वायर, मतलब 20√2 2. समझ आ रहा है, तो ये 1/4 3.14 400 × 2, इससे आप इसे कैंसिल कर सकते हैं 100 टाइम्स, और बच्चों इससे मल्टीप्लाई करें ये 314 हो जाएगा. इसका डबल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर है बच्चों को, ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया. एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर, ये आ गया बच्चों 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ओएबीसी. 628 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बच्चों 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि ये 400, इन दोनों का डिफरेंस 228 सेंटीमीटर स्क्वायर.